नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फोर। न्यूज इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आगामी उपचुनाव से पूर्व प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ग्वालियर शिवपुरी पनिहार रोड से क्राइम ब्रांच द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध हथियार एवं ब्राउन शुगर और कार सहित 7 तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जिनसे 15 पिस्टल, 13 खाली मैगजीन, 5 जिंदा राउंड व 200 ग्राम ब्राउन शुगर और कार जब्त की गई है। आरोपी पिस्टल 20 से 25 हजार में सप्लाई करते थे। अन्य एक अभिषेक तोमर हत्याकांड में साथ में थे, इसके अलावा एक डबल मर्डर इन्होंने किया है, और जो राहुल राजावत की 2 बार ये इसकी खेपे यहाँ ला चुका है, और ग्वालियर और अगल बगल के जिलों में इसने सप्लाई की है। तो इससे पूछताछ करके और किनको पिस्टलें दी हैं, इसका हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। पिस्टलों की खेप पकड़ी गई है, तो इससे ये लगता है कि शहर में कहीं ना कहीं गंभीर वारदातों में इन हथियारों का उपयोग होता, परंतु क्राइम ब्रांच की ये बाजियाँ पकड़ी गई। सर, सुरक्षा है वो दी जा रही। कल रात में हजीरा थाने पर फायरिंग हुई है, उसमें कोई अपडेट? हाँ, उसमें टीमें लगी हुई हैं, और अभी मेरी बात ही हो रही थी। संभवतः वो आरोपी जो है हमारे CSP रवि भदौरिया और TI गए हुए हैं, तो ये लगभग जो बातचीत हो रही थी, मतलब आपकी PC से पहले, तो उसको शायद पकड़ लिया है। क्राइम ब्रांच में ग्वालियर में एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। जब आज 7 आरोपियों को पकड़ा गया है और इनके पास से 15 पिस्टलें, मैगजीन और 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। ये 2-3 दिन से इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि किसी वाहन में ये पिस्टलों की खेप आने वाली है, और इसको लेके हाईवे पे जगह जगह चेकिंग लगाई गई थी। और आज नया गाँव पनिहार के पास ये गाड़ी जो है, इसको रोका गया, XUV गाड़ी को, जिसमें से ये 7 आरोपी मिले, और इनके पास ये 15 पिस्टल हैं, मैगजीन, 5 राउंड और 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। इसमें सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है, और जो 2 मुख्य आरोपी हैं, राहुल राजावत और विक्रम राणा, ये हार्डकोर हैं। इनके ऊपर 3-3 मर्डर हैं जो कि न्यायालय से जमानत पर हैं, और इसके अलावा वर्तमान में ये अवैध हथियार और शराब के धंधों में उतर आए थे। इसमें राहुल राजावत अभी करीब 3 महीने पहले जेल से बाहर आया है, और विक्रम राणा लगभग 1 साल पहले जेल से बाहर आया है, और जेल से बाहर आके इनकी इस तरह की शोहरत हो गई थी और इस पे निगाह रखी जा रही थी, और इसी का नतीजा था कि आज ये पिस्टलों की इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है। और अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, तो ये कहाँ डिलीवर करने वाले थे, और ये भी जानकारी मिली है कि विक्रम राणा पूर्व में भी इस तरह की एक खेप यहाँ ला चुका है, जो कि ग्वालियर और आसपास के जिलों में इसने सप्लाई की थी। वो भी इससे पूछताछ की जाएगी, इसने पिस्टलें कहाँ दी हैं। कुल मिला के इनके पकड़े जाने से शहर में जो गंभीर वारदातें संभावित थीं, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी, और क्राइम ब्रांच को इसके लिए IG साहब की तरफ से जो है पुरस्कृत किया जा रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में चुनाव हैं, और हथियारों की इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना, हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कोई हिंसा संभावित थी, वो इनके पकड़े जाने से वो रुक गई है। हमारे न्यूज़ इंडिया 4 चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।